हरे कृष्णा। तो आज इस वीडियो में बहुत दिनों की मेहनत जो हम सभी भक्तों ने मिलकर की है इस छोटे से वीडियो में समराइज की, क्योंकि काफ़ी दिनों की मेहनत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, तो हम टेम्पल पहुँच गए हैं, अब सीधा चलते हैं BVT चलते हैं पहले सेवा के लिए, देखते हैं क्या क्या सेवा है, इसके बाद हम दर्शन कराएंगे। अगर थोड़ा सा समय होगा तो सबसे पहले दर्शन करेंगे, देन सेवा करेंगे। सारा कुछ आज हम डिटेल में दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज एप्रिशिएशन सेरेमनी होनी है, तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, इसलिए हमें सुबह ही आना पड़ा है। और सेरेमनी अभी शाम को 4 बजे से है, तो पूरा दिन का ब्लॉग हम अपलोड करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। तो चलिए फिर मिलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या सेवाएँ हैं। तो ये है हमारी मंजरी माता जी। पहली बात तो इनकी एज देखिए कितनी छोटी है, और सेवा भाव देखिए। इनकी मम्मी का फ़ोन आ रहा था, बेटा आ जाओ कल स्कूल भी जाना है, पर मंजरी माता जी नहीं, थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और सेवा कर लें। ऐसे सेवा भाव अपने बच्चों में भी डालिए, ताकि आगे चल के आपके प्रति और आगे सोसाइटी के प्रति सेवा भाव बना रहे। और हम जब तक पहुँचे थे, मंजरी माता जी और स्नेहा माता जी ने मिल के 50 से ज़्यादा बॉक्सेस में स्टिकर पेस्ट कर दिए थे। ये प्रसाद हम बन के आया है, बस इसमें स्टिकर्स पेस्ट करने थे। तो अब ये सेवा कर रहे हैं, तब तक हम आपको सोच रहे हैं दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ सेवा में अभी बिजी हो जाएंगे तो थोड़ा सा दर्शन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं आपको पहले दर्शन करवा देते हैं। और जो दर्शन है, एक्चुअली में यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी हम छुप छुपा के थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। आई नो कि थोड़ा अपराध है ये, पर आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ पे जो दर्शन करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे हम लोगों का सेरेमनी होना है, अप्रिसिएशन सेरेमनी की, वहाँ की डेकोरेशन आपको दिखाते हैं। अभी चल ही रहा है, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है क्योंकि सुबह है। तो शाम को जब इवेंट स्टार्ट होने से पहले हम आपको एक बार और दिखा देंगे आके कि कैसा क्या डेकोरेशन हुआ। फिलहाल तो चलते हैं BVT, यहाँ देखिए माता जी तो बिजी हैं, स्नेहा माता जी सारे पैकेट्स को अरेंज करने में, सबको सीरियल वाइज लगा रहे थे ताकि कोई भी पैकेट किसी के साथ मिक्स ना हो जाए। तो फिर इसके बाद जो बॉक्स कल बच गए थे पैक होने के लिए, तो माता जी उनको बचे हुए बॉक्सेस को पैक कर रही हैं, सारे बॉक्स बना के फिर उसको पैक करना, देन उसके ऊपर गिफ्ट रैप करना था। और ये कसक माता जी, स्नेहा माता जी की सिस्टर, ये बचे हुए जो बॉक्स हैं प्रसादम के उस पर स्टिकर लगा रही हैं। अब जो है क्या है, हम लोगों को पैकिंग करनी थी, जितने भी बॉक्स अभी हमने रिसेंट में पैक किए थे, अब उस पर गिफ्ट रैप करना था सारे। अभी कसम माता जी को हम बता रहे थे कि माता जी आप भी थोड़ा सा इधर देख लीजिए, क्योंकि ये माता जी कम आ पाती क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, तो आ जाई हैं सेवा की वजह से। और ये माता जी सारे थैलों पर सभी के नाम लिख रहे थे, और ये प्रभु जी नाम बोलते जा रहे थे, इतनी स्पीड में नाम बोल रहे थे, हम दोनों ही लोग लिख रहे थे। फिर बीच बीच में भी था कि ब्लॉग भी बनाना है। यहाँ पे माता जी भगवद गीता पैक कर रही हैं, अभी कुछ ही माता जी आई हैं, ये प्रभु जी हमारे भगवद गीता पैक कर रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत लंबा ब्लॉग बनेगा। वीडियो बनाएंगे माता, डालेंगे आपका इंटरनेट पे सीधा? नहीं नहीं नहीं, है माता हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। नहीं, आप बहुत अच्छा काम करी, बहुत अच्छा। आप लोगों से देख के सब लोग प्रेरित होंगे, है ना काजल माता जी? हम आपको वीडियो देख कर प्रेरित हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी माता जी लोग भगवत गीता पैक कर रही हैं, भव्या माता जी, भावना माता जी, अनन्या माता जी, और ये हमारी हर्षिता माता जी, और इधर पे हमारे बैठी हैं अनु माता जी, और वो सामने दिख रही हैं आपको छोटी सी माता जी आरती माता जी। इतनी छोटी सी सेवा भाव देखिए। हम तो आप सभी को सजेस्ट करेंगे कि एवरी संडे आप अपने बच्चों को टेंपल लेके आएं, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस अभी फिर से रह गए थे, तो प्रभु जी ने कहा अभी कम है तो फिर से बनाने थे, उनको फिर से पैक करना था। और यहाँ पे देखिए सारी माता जी वहाँ सेवा ख़त्म करने के बाद अब सारी माता जी मिलकर भगवद गीता पैक करेंगी। मतलब कि इतनी ज़्यादा मेहनती और इतना ज़्यादा सेवा भाव है माता जी इसमें सभी में। और देखिए दोनों माता जी मिलके भगवत गीता का पूरा 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 का पूरा गत्ता उठा के ला रही हैं, आप समझ सकते हैं, मतलब सेवा देखिए। और ये हमारी देखिए कसक माता जी अभी वहाँ पे स्टिकर्स लगा रही थी प्रसादम में, अब वहाँ हो गया तो यहाँ पे साफ सफाई कर रही हैं। अब चलिए हम भी थोड़ी सेवा कर लेते, नहीं तो आप कहेंगे ये तो वीडियो ही बनाने आती हैं। अब आप...
बहुत बड़ा ही तो बना दिया तुमने, भारी कर दिया। हाँ ये प्रभुपाद आश्रय वाला है, ये एक एक तरफ पकड़ी है कोई, इसको लंबा चौड़ा इसका होता है। चलो जो आपको छोटा सा बच्चा दिख रहा है ये इसका नाम वीरभद्र है। सेवा और देखिए अंग से चल नहीं पा रहे हैं लेकिन थैले उठा के ले जा रहे हैं। और यहाँ पे इतना सारा हम लोगों ने पूरा पैकेट जितने भी गिफ्ट्स थे सारे कुछ लगा दिया है। टेबल पे सारी ट्रॉफी सर्टिफिकेट यहाँ पे सारा अरेंज हो गया है। अब इन सबको अभी यहाँ पे भी बैठ के सीरियल वाइज लगाना रहेगा। स्टेज भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पूरा ऐसा स्टेज पूरा डेकोरेट करके यहाँ पे बिल्कुल तैयार है स्टेज। बस थोड़ी देर में सभी भक्त आ जाएंगे और फिर यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये सारा कुछ अरेंज करना। अब यहाँ पे भक्त लोग आ गए हैं तो अब बस प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्यास लगी है तो सोच रहे हैं बॉटल भर लाते हैं फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे रेगुलर खिचड़ी प्रसादम मिलता है तो आप जब भी इसको आना है तो ज़रूर पाना। यहाँ पे हमें कुछ प्रभु जी माता जी लोग मिले थे जो बहुत अच्छी भजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की क्लास स्टार्ट भी हो गई थी। और ये जो प्रभु जी हैं लॉस एंजलिस से आए हैं और इनका नाम है हिज ग्रेस देवव्रत प्रभु जी। बहुत ही अच्छी क्लास ली थी इन प्रभु जी ने। और ये जो हमारे प्रभु जी हैं हिज ग्रेस प्रेम हरि नाम प्रभु जी, तो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला है। और जो फर्स्ट पोजीशन है वो है श्रीमान चंदन प्रभु। और जो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है वो है शेखर शुक्ला प्रभु और रश्मि माता जी। तो वो वान्या माता जी ने किए हैं, वो है 360 महाविभू। और प्रभु जी 412 महाविभू। वो रुचिरा चंद्रिका माता जी और आनंद मोदी प्रभु जी, उनका स्कोर है 558 महाविभू। चंदन प्रभु जब भी बेटी जी टीम है जल्दी से आ जाइए स्टेज पर, सभी लोग आ जाइए जिन जिन के नाम अनाउंस किए गए। ब्रज लीला माता जी आप आइए, अचल प्रभु सभी लोग एक साथ आ जाइए तो ग्रुप का फोटो भी हो जाएगा। पोजीशन है वो है संकीर्तन वॉरियर टीम और उसके सब जन ध्यान दीजिए। जो ये टीम है इन टीम ने पूरा बैकअप में केवा सेवा किया है, मतलब 15 नवंबर या उसके पहले से बोल सकते हैं दिन रात जो व्यवस्था बनाई है। सबसे पहले तो हमको गोडाउन सेट करना था वहां पर, उसके अंदर का फर्नीचर बनाना, उसके अंदर बुक्स रखना, किताबें ऑर्डर करना, किताबें लाना, उनका आयोजन करना, उनके हर भक्त जब सेटल करता है तो उसके प्रॉपर अकाउंट का रिसीट बनाना,
आजकल हमारा अकाउंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो हर चीजों को रिसीट बनाकर सही तरीके से प्रेजेंट करना और बाद में सबको ध्यान रखना। हम सबको याद है या अनुभव है, अपने घर में छोटा फंक्शन होता है तो लोगों को गिफ्ट देने के लिए कितनी टेंशन होती है हमको ना, किसको कौन सी साड़ी देनी है, किसको क्या गिफ्ट देना है, तो इतने सारे भक्तों का सब प्लान करना। तो इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना शक्ति पूरी तरह से लगाई है और इनके कारण हम लोग जो है अच्छे से ग्रंथ वितरण कर पाए बाहर जाकर, और जो इतना सुंदर फेस्टिवल बनाया है। अभी पिछले 3 दिन से लगभग सबके सब लोग जो उधर ही थे, बुक्स गोडाउन में थे, दिन रात सेवा कर रहे थे। अभी इतने सारे पैकेट्स बनाना, सबके ऊपर नाम डालना, बॉक्सेस बनाना, मैं देखा कल ये शुभम प्रभु और चंदन प्रभु बाइक के ऊपर 2 बोरी लेकर आ रहे थे। मैं बोला कहाँ जा रहे हैं दोनों? तो ये दोनों जो है अलग अलग गिफ्ट लेकर आ रहे थे यहाँ वहां से। मैं जब मिलने गया तो बोले प्रभु जी ये गिफ्ट आने वाला है, वो गिफ्ट आ रहा है, ये आ गया है। तो ने बहुत ज्यादा उनका परिश्रम दिया है। तो हम इन सब टीम को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हम सबको फैसिलिटेट किया है, इंस्पायर किया है श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इनको हम धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन मैराथन एग्जीक्यूशन टीम की थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यहाँ पे जो ये प्रभु जी माता जी हैं, इनका मैरिज एनिवर्सरी था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इनको विश करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और ये जो केक है ये सीधा प्रसादम हॉल जाएगी, तो चलिए सीधा चलते हैं प्रसादम हॉल। भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि वीडियो शूट करना भूल ही गए, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। प्रसादम में था कढ़ी चावल और पनीर की सब्जी और वेज पराठा और केक और आलू की टिक्की और कॉफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा हरि बोल।